गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट लिटरेचर स्ट्रीम में से लेटर जे पढ़ने वाले हैं, कैपिटल जे और स्मॉल जे। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? आर। तो चलो हम यहाँ पे मैंने लेटर लिखे हैं कैपिटल और स्मॉल, हम एक बार रीड करते हैं, लर्न करते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल आई स्मॉल आई। ओके, यहाँ पे हमने आई तक पढ़ा था। अभी आई के बाद में क्या आता है? जे। तो जे के लिए हमें देना है स्टैंडिंग लाइन। देखो मैंने ऊपर नीचे की लाइन छोड़ दी है, ऊपर की लाइन मैंने यूज किया है, और इस लाइन्स को लेकर हमें निकालना है कर्व, और हमें ऊपर देनी है स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया ये हमारा? जे। जे फॉर जग, जे फॉर जग। अभी मैं यहाँ पे पहले स्लीपिंग लाइन के डॉट दूंगी, फिर मैं स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स, और मैं कर्व के डॉट्स। कर्व को, ये जो कर्व निकाला है, ये कर्व हमें टू लाइन को टच नहीं करना है। स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स एंड कर्व के डॉट्स एंड स्लीपिंग लाइन के डॉट्स, स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स एंड कर्व के डॉट्स एंड स्लीपिंग लाइन के डॉट्स। ओके, हमें ये लिखना है। अभी मैं इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइंट करूंगी, किया मैंने स्टैंडिंग लाइन, फिर मैं इस डॉट को इस डॉट से ऐसे ज्वाइंट करूंगी और कर्व निकालूंगी। बन गया हमारा जे। लेकिन मैंने जे, जो जे निकाला, जो कर्व निकाला, मैंने इस लाइन को टच किया क्या? नहीं। ओके, टच नहीं करना है। और इस लाइन को, इस डॉट को मैंने इस डॉट से ज्वाइंट किया, बन गई हमारी स्लीपिंग लाइन, कैपिटल जे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। कैपिटल जे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। क्या बन गया ये हमारा? जे। जे फॉर जग, जे फॉर जोक, जे फॉर जॉकेट। ओके, फिर उसके बाद में हमें लेना है स्मॉल जे। क्या लेना है? स्मॉल जे। तो कैपिटल जे ये हमारे ऊपर की थ्री लाइंस पे आई है, नीचे की लाइंस हमने यूज नहीं की है। उसी तरह से स्मॉल जे लिखने के लिए हमें ऊपर की लाइन छोड़ देनी है और नीचे की लाइन से लिखना है। अभी मैं यहाँ पर भी स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स दे रही हूँ, और कर्व छोटा सा ही कर्व देना है हमें। ओके, इस लाइन को स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। अभी हमें स्मॉल जे लेना है, इसलिए हमने नीचे की थ्री लाइन्स यूज की, ऊपर की लाइन छोड़ दी, और हमने कैपिटल जे के लिए नीचे की लाइन छोड़ दी, है ना? तो चलो अभी हम निकालते हैं स्मॉल जे। इस जे को, इस डॉट को मैंने इस डॉट से ज्वाइन किया, बन गई हमारी स्टैंडिंग। फिर इस स्टैंडिंग लाइन को हमने ज्वाइन किया डॉट्स को, बन गया हमारा जे। देखो, इस कैपिटल जे को ऊपर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे स्लीपिंग लाइन नहीं देना है, यहाँ पे हमें देना है डॉट्स। क्या देना है यहाँ पे हमें? डॉट्स, स्मॉल जे। हमने क्या बना लिया? ये स्मॉल जे। उसी तरह से अभी हम इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे, बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन, और फिर मैं इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करूंगी, और ये निकाला मैंने कर्व। ओके, और बन गया क्या हमारा जे? कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। क्या बाकी है? स्लीपिंग लाइन बाकी है? नो। क्या बाकी है? डॉट्स। यस, क्या बाकी है? डॉट। और हमने यहाँ पे स्लीपिंग लाइन क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये हमारा स्मॉल जे है। यहाँ पर हमने स्लीपिंग लाइन दिया, क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल जे है। ओके,
उसी तरह से इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करके कर्व निकाला मैंने और डॉट दी स्मॉल जे। स्मॉल जे क्या दिया मैंने ये स्मॉल जे, देखो स्मॉल जे है ना डिफरेंट। स्मॉल जे में और कैपिटल जे में क्या डिफरेंट है, कैपिटल जे को हमने स्लीपिंग लाइन दिया और स्मॉल जी को हमने ऊपर डॉट दिया। जे फॉर जग, जे फॉर जान। ओके बेटा, ये आपको घर में लिखना है। बाय।